नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम दीपिका है। आज मैं चाइल्ड डेवलपमेंट की नई क्लास के साथ आपके सामने आई हूँ। लास्ट क्लास में हम जो टॉपिक कर रहे थे उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, जिसमें हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे थे। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे स्टेप्स स्टेजेस पढ़ चुके हैं, है ना। इसके साथ साथ फैक्टर्स पढ़ चुके हैं, इनके एस्पेक्ट्स पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के स्टेजेस पढ़ रहे थे, जिन्हें हम बोल सकते हैं वृद्धि और विकास की अवस्थाएं। उन अवस्थाओं में से मैंने आपको प्रीनेटल स्टेज, जिसको करा चुकी हूँ मैं आपको, और लास्ट क्लास मैंने आपकी इन्फेंसी स्टेज करवाई थी, शैशव अवस्था, और आज मैं जो करा रही हूँ वो आपको करा रही हूँ बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था मतलब चाइल्डहुड। फिर चाइल्डहुड का क्या है, चाइल्डहुड के अंतर्गत हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है? पहले ही मैंने बताया है कि हम ये अवस्थाएं जो पढ़ते हैं, ये अवस्थाएं एक्चुअली में बच्चे को समझने में हमें मदद करती हैं। इसलिए हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत इन सारी अवस्थाओं को डिटेल में पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि बच्चों को समझने में हमें आसानी हो सके। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं चाइल्डहुड की, और चाइल्डहुड को हमने दो भागों में विभाजित किया है। इसको हमने दो भागों में इसलिए विभाजित किया है ताकि हम इतने बड़े बैकग्राउंड, 6 से 12 की अवस्था जो है उसमें से हम हर उम्र में बच्चे में नए नए पड़ाव आते हैं, परिवर्तन आते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि 6 से 12 के अंतर्गत बच्चा एक ही प्रकार का बिहेवियर करता है, नहीं, क्योंकि ये वो समय है जिस टाइम बच्चे का सर्वाधिक विकास होता है। वो ग्रोथ तो करता ही है, बट यहाँ डेवलपमेंट भी बहुत तीव्र गति में होता है। इसलिए दोनों चीज़ों को बैलेंस बनाकर समझना जरूरी होगा कि फिजिकल डेवलपमेंट में क्या हो रहा है और आपके मेंटल, और अगर बात करें लैंग्वेज या फिर इमोशनल, तो सभी एक अलग अलग एस्पेक्ट्स में क्या क्या इनके इम्पैक्ट पड़ते हैं या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि बाल्यावस्थाओं को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया है, जिसमें से सबसे पहली अवस्था जो है जिसको हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड, और दूसरी है पोस्ट चाइल्डहुड, जिसको हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। इन दोनों में देखो क्या डिफरेंस है, ये दोनों तो है ही एक अवस्था, बट इसमें सिर्फ एक फर्क है कि हम 6 से 12 इसकी अवस्था मानते हैं, बट जब हम पूर्व बोलते हैं या अर्ली बोलते हैं तो हम बाल्यावस्था से पहले की एज को इसमें ऐड कर देते हैं। तो इसको हम लोग कितना कर सकते हैं, कई बुक्स में ये 3 से शुरू है तो कई बुक्स में 2 से शुरू है। प्याजेट इसे 0 to 2 बोलता है ना, बट हम इसको क्या है 3 to 6 जो है, और 6 से 12 है तो हम इसको 3 to 6 ले सकते हैं, या कहीं कहीं पे 2 से 5 या 2 से 6 भी इसकी लिखी हुई है। तो ये अलग अलग बुक्स की मान्यताएं हैं, बट अर्ली चाइल्डहुड जो है उसके अंतर्गत बच्चों के अंदर शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार के विकास शुरू हो जाते हैं। अब देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि इनमें कौन कौन से विकास होते हैं। आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन सी एज तक होता है, बट ये पूछेगा कि ये किसमें होता है, या कौन सी अवस्था में होता है, या किस अवस्था में इस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड में। अर्ली चाइल्डहुड जिसको हम प्री स्कूल एज भी कह सकते हैं। प्री स्कूल क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि प्री प्राइमरी सुना होगा आपने। प्राइमरी की उम्र जो होती है वो क्या होती है, 5 साल से स्टार्ट हो जाती है, बट प्री प्राइमरी की उम्र जो होती है 3 से शुरू हो जाती है, इसलिए इसको प्री स्कूल एज कहा जा रहा है। स्कूल से जाने से पूर्व की एज, जब बच्चा स्कूल ना जाकर किसी किंडरगार्टन या मॉन्टेसरी जैसे स्कूल में जाकर वो लर्निंग करता है, मतलब वैसे NCERT ने कहा है कि बच्चों की विद्यालय जाने की उम्र जो है वो तो 5 साल है, पर 3 साल आपके पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में जाने की उम्र तय कर दी गई है। अब है प्री चाइल्डहुड। प्री चाइल्डहुड बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है, इसको कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है। बॉडी टाइप एज बोलते हैं इसको, इसको हम शारीरिक भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, शारीरिक संरचना, इसको शारीरिक संरचना, दिखने की आयु। इसका मतलब क्या है कि इस उम्र में जो बच्चे होते हैं उनको हम देखकर बहुत अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं कि ये मोटा होगा, पतला होगा, या फिर हाइटेड होगा, गोरा होगा, सुंदर होगा, इंटेलिजेंट होगा या गधा होगा। तो इस तरीके के हम लोग क्या है, किसी भी बच्चे को अगर हम लोग शारीरिक संरचना के आधार पर, उसके बिहेवियर के आधार पर हम आंक सकते हैं कि बच्चा कैसा होगा। देखो, किसी की भी डेवलपमेंट को हम लोग प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं कर पाते हैं, प्रिडिक्टेबल नहीं कर पाते हैं, पूर्वानुमान नहीं लगा पाते हैं। क्यों नहीं लगा पाते हैं, कि एक श्योरिटी नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कहता है वृद्धि और विकास कि हाँ, हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, और ये सिद्धांत भी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, पर कभी कभी हम फेल हो जाते हैं। कई बार हम बच्चे को देखते हैं कि स्टार्टिंग पीरियड में वो गधा होता है और बाद में जाके बहुत होशियार हो जाता है, अचीव कर लेता है, या कई होते हैं जो बहुत होशियार होते हैं, 10th में उनकी 99% है, बट वो 11th-12th में संगति या फिर इन्वायरमेंट के कारण उनकी जो है स्कोरिंग कम हो जाती है, वो गधा नहीं होता है।
या कोई बच्चा गधा या होशियार नहीं होता है, बट उसके यूटिलाइजेशन यूज करना या इन्वायरमेंट बदल जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखोगे कि इस उम्र में बच्चा जो है अपनी बॉडी टाइप से शो करता है कि मैं किस टाइप का होऊंगा, या मैं पूर्वानुमान लगा सकती हूँ उसको देख करके उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो फिजिकल क्या कर सकता है। लाइक मैं किसी बच्चे को देख रही हूँ, मेरी क्लास में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत अच्छे से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, बहुत अच्छे से कोई सिंगिंग करता है, कोई डांसिंग करता है, या उसके शरीर स्ट्रक्चर को देखकर मैं जान सकती हूँ कि हाँ भाई ये गेम्स में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, स्काउट में अच्छा है। तो इस तरीके से बॉडी टाइप देखकर आप पूर्वानुमान लगा सकते हो। ठीक है, प्ले एज की बात करते हैं। प्ले एज का मतलब नॉर्मल सी बात है कि जहां पर आयु क्या है, जहां पर खेलने की आयु की बात कर रहे हैं ना, तो खेल की आयु हम इसको बोलते हैं। ठीक है, प्ले एज। टॉय एज पहले आता है इन्फेंसी स्टेज में, क्योंकि बच्चा वहां खिलौने से खेलता है, बट यहाँ पे प्ले एज में बच्चा खेलता है, खेलना सीख जाता है, पार्टिसिपेट करने लग जाता है और एक्टिव हो जाता है। प्री गेम एज, प्री गेम एज का मतलब होता है जहां पर हम लोग समूह से पूर्व की आयु बोलते हैं। यहाँ पे बच्चा जो है ना समूह नहीं बनाता है, बच्चा कहीं भी जाके खेल तो सकता है, बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर समूह का मतलब समझोगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि थोड़े बड़े होने के बाद कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टेड फ्रेंड्स हो जाते हैं हमारे, इसी के साथ खेलना है, इसी के साथ पढ़ना है। बट इस एज में क्या होता है कि हम लोग बहुत जल्दी ढल जाते हैं और बहुत जल्दी फ्रेंड बन जाते हैं, और हमारी बहुत जल्दी लड़ाई भी हो जाती है। तो इस एज में जो बच्चा है समूह का नहीं बनाता है, बल्कि वो क्या करता है, वो धीरे धीरे एक ऐसी प्रक्रिया का पालन करता है जहां पे वो लोगों के साथ एडजस्टमेंट करना सीखता है, समायोजन करना सीखता है। आगे बात करेंगे, टॉय एज भी इसको कई जगह पे बोला गया है, पर ध्यान रखना कि ये प्ले एज ज्यादा माना जाएगा, इसको टॉय एज जो है कम रखा गया है, क्योंकि अगर प्याजे की बात करें तब वहां पर हम लोग इसको रख सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर इसको टॉय एज को चाहे लिखे चाहे नहीं लिखे जरूरी नहीं है, पर आप ध्यान रखोगे प्ले एज जरूर आपसे पूछा जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, अब बात करते हैं टॉय एज आपको कहीं कहीं पर आपको मिलेगा। बाकी टॉय एज इसलिए लिख दिया है मैंने क्योंकि कुछ ऐसे लड़कियां होती हैं या कुछ ऐसे एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे बच्चे खिलौने के साथ, टेडीज के साथ या डॉल्स के साथ खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि 3 से 5 साल की उम्र ऐसी होती है जहाँ पर खेला जाता है। ठीक है, तो खेल के अंदर ही टॉय एज भी आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट। सबसे ज़्यादा यहाँ पे भाषा का विकास होता है और बच्चा सबसे ज़्यादा यहाँ पे लैंग्विस्टिक डेवलपमेंट करता है। सर्वाधिक लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, है ना, खुद अपनी जो विचार है उसको सबके सामने बोलने की कोशिश करता है, या फिर वो गलत सलत बोलता है पर बोलता जरूरी है, और धीरे धीरे वो बहुत अच्छे से विशेषण या फिर हर चीज़ों का प्रयोग करने लग जाता है। बट यहाँ पे उसे नहीं पता होता कि मैं वाक्यों का इतना शुद्ध रूप में प्रयोग कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एक्टिव मेंबर होता है वो। इस एज में बच्चा जो होता है सबसे ज़्यादा एक्टिव मेंबर होता है, वो बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है। अगर घर में एक दिन एक घंटे के लिए भी वो बच्चा ना रहे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई घर में कोई मिसिंग है, और वो है वो बच्चा। तो इसका मतलब घर में सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है और बच्चों के कारण घर का माहौल बना रहता है। ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है कि बच्चा जो है कहता है कि मैं जो सोचता हूँ, मैं जो कहता हूँ वही सही है, लाइक दैट थोड़ी सी सिचुएशन आ जाती है। यहाँ पे थोड़ा ट्रायल एंड एरर कॉन्सेप्ट भी आता है कि बच्चा गलती करते जाता है और सीखते जाता है, और धीरे धीरे सीखते सीखते अभ्यास के जरिए उसमें परफेक्शन आ जाती है। ठीक है, यहाँ कॉन्क्रीट लर्निंग जो है शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी हो जाती है, बट हाँ किसी चीज़ को देख कर पहचानना, ताजमहल की पिक्चर को देख कर पहचानना, नरेंद्र मोदी जी की पिक्चर को देख कर पहचानना, या किसी भी जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देख कर पहचानने लग जाता है। ठीक है, थोड़ा सा परिवार में ही सीमित रहता है, समाज से संबंध नहीं रखता है इस समय। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की ज़्यादा बात है कि बच्चा यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा देखा जाए तो इसी इन्वायरमेंट, इसको इस समय पे सबसे अच्छा इन्वायरमेंट देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसी समय में बच्चा जो है ढलता है कि उसका नेचर कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, और वो आपने सबसे जिज्ञासु होता है इस समय, सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है उसमें, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसे प्रश्नों के साथ रहता है वो हमेशा। और एक चीज़ और करता है, वो क्या करता है, वो अपने इर्द गिर्द अपने जो भी लोग हैं उन्हीं को वो सुरक्षित समझता है, जो भी उनके आसपास हैं, वो दूसरे लोगों से ज़्यादा संपर्क स्थापित नहीं करता है। और यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फ सेंट्रिक हो जाता है कि हाँ भाई मुझे चाहिए, मुझे करना है, मुझे खाना है, या मुझे टॉयज चाहिए, मुझे खेलना है, इस टाइप का थोड़ा सा मनमानी वाली अवस्था हो जाती है। पर जैसे ही हम लोग पोस्ट चाइल्डहुड में एंटर करते हैं तो यहाँ पर बच्चा थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, यहाँ पे थोड़ी बनावटी
मैच्योरिटी शो करता है कि हाँ मैं परिपक्व हो गया हूँ। क्लास इवन अब वो थोड़ा स्कूल जाने लग गया है तो आप थोड़ा अपने आप को सोचता है मैं बड़ा हो गया हूँ, और अब वो फ्रेंड सर्कल सोसाइटी समाज आसपास के लोगों को थोड़ा समझने लग जाता है, उसे पता रहता है कि मुझे अच्छे से क्यों रहना है, मुझे अच्छे से रेडी होना है, मुझे अच्छे कपड़े पहनना है, या कंपेरिजन करने लग जाता है लोगों के साथ कि उसके पास है मेरे पास नहीं है, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये आ जाता है, और अब वो परिवार से थोड़ा हटकर अब समूह के संपर्क में ज्यादा आ जाता है, उसे खेल कूद करना अच्छा लगता है, अब उसे दोस्त यारों के साथ रहना अच्छा लगता है, पढ़ना लिखना इंटरेस्ट है तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करना अच्छा लगता है। इस उम्र में देखते हैं और क्या क्या होता है, तो लेटर चाइल्डहुड भी बोलते हैं इसको। स्यूडो पर्सनैलिटी का मतलब होता है झूठी या मिथ्या मैच्योरिटी परिपक्वता दर्शाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा है तो नहीं मैच्योर बट शो करता है कि मैं बहुत मैच्योर हूँ, अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है कि मैं बड़ों की तरह सोच सकता हूँ, जैसे कि मैं बड़े जैसा काम कर रहे हैं मैं वैसा कर सकता हूँ, या अपने आप को मैच्योर दिखाने की जैसा प्रिटेंड करता है। स्कूल एज है बिल्कुल ऑब्वियसली सी बात है, इस उम्र में बच्चा स्कूल एंटर कर चुका होता है और वहाँ पे वो स्कूल के दायरे में अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करता है। गैंग एज क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली सी बात है वो गैंग बना लेते हैं, नॉट लाइक कि वो लड़ाई झगड़े वाला, बट हाँ यहाँ सब कुछ होता है, गुंडागर्दी भी होती है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, बट एक लिमिटेड एक छोटे बच्चों के जैसा होता है। तो यहाँ पे बच्चे समूह में रहना पसंद करते हैं, शेयर करके खाना, एक साथ बैठना, एक साथ खेलना, है ना, तो सारी चीज़ें इनमें आ जाती हैं। ट्रबलसम एज कहते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है परेशानी वाली एज है, सॉरी इसमें थोड़ी सी ये ट्रबलसम परेशानी वाली एज इसको कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों में दिक्कत होती है कि वो अपनी थिंकिंग को समाज के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, जो कि किशोरावस्था में सर्वाधिक हो जाती है, पर यहाँ पे शुरू हो जाता है। इसको लेटेंसी पीरियड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा के लिए एक परफेक्ट एज होती है, और इसको क्वारलसम झगड़ालू अवस्था, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस उम्र में झगड़ा करते हैं बच्चे लड़कियाँ। और एक चीज़ और है इसमें, थोड़ा सा देखोगे तो लड़कियाँ लड़कियों के साथ रहेंगी, लड़के लड़कों के साथ रहेंगे, थोड़ा सा इनमें थोड़ा सा जेंडर पे भी बेस्ड होता है कि हमारा ग्रुप है तो हम गर्ल्स गर्ल्स का ग्रुप होगा, बॉयज़ को एंटर नहीं करने देंगे, लाइक दैट वाली सिचुएशन होती है। तो क्वारलसम झगड़ालू की अवस्था होती है यहाँ पे। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट होता है इनका, बहुत अच्छे से कॉन्क्रीट थिंकिंग कर लेते हैं, यहाँ पर परफेक्शन के साथ वहाँ शुरू होती है, बट यहाँ पे बिल्कुल कॉन्क्रीट थिंकिंग हो जाती है। और इनमें स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बनती है, ग्रुप बनता है, लोगों में कन्वर्सेशन करते हैं। इसके साथ साथ इनमें बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे अब बच्चा जो है थिंकिंग शुरू कर देता है, यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश करने लग जाता है, एनालाइज करने लग जाता है, बट ये स्टार्ट कर रहा है, शुरुआत कर रहा है बेटा, ध्यान रखोगे शुरुआती दौर आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हो, बट जब हम लोग बात करते हैं किशोरावस्था की बात करते हैं तो किशोरावस्था में तो बच्चा पूरा परिपक्व हो जाता है, वहाँ पे ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं, बट यहाँ से शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि किशोर अवस्था से शुरू होती है, नहीं, किशोर अवस्था से शुरू नहीं होगी, कॉन्क्रीट यहाँ पे हो जाती है, अच्छी तरीके से हो जाती है, परिपक्व अवस्था तक हो जाती है। और यहाँ पे बच्चा जो है लर्निंग में या फिर अपने आपको प्रेजेंटेशन में, यहाँ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी बहुत अच्छी होती है, स्थानांतरण अधिगम का बहुत अच्छे तरीके से होता है। इस तरीके से हम लोग ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम बच्चे को समझ सकें, जितने भी उनके स्तर में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, उनके शारीरिक परिवर्तन हो, मानसिक परिवर्तन हो, अगर उनको अच्छे से हम समझ जाएं तो हम क्लास में बच्चों को हैंडल कर सकते हैं उनके अकॉर्डिंग, और हमें पता होगा कि इस बच्चे में ये क्वालिटी है या ये चीज़ें उसमें चेंज करने की ज़रूरत है। तो अगर हम बच्चे के बिहेवियर को उसकी उम्र के अनुसार जानते हैं तो हम बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ कर समझा सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग इतनी ही बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडोलसेंस किशोरावस्था की बात करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, बट हम जब प्याजे की थ्योरी करेंगे तो प्याजे की थ्योरी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ कंपैरिजन के साथ करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास समझ आ रही होगी, पसंद आ रही होगी। नमस्कार।